देर रात के समय एक कार सन्नाटे को चीरती हुई हाईवे पर चली जा रही थी और कार में बैठा हुआ आदमी घंटों से ड्राइव कर रहा था और अब नींद उसे सताने लगी थी। वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता था। तभी उसने देखा कि उसके रास्ते में एक चढ़ाई आ गई है, पर वो चलता रहा और बिना किसी दिक्कत के उस चढ़ाई को पार कर गया। जैसे ही अब वो ढलान से नीचे उतरने लगा, उसने कुछ दूरी पर एक साये को खड़े हुए देखा। शुरुआत में उसे पता नहीं चला कि ये क्या है, पर जब वह नजदीक पहुंचा तो उसने देखा ये एक जवान लड़की थी। उस लड़की के लंबे बाल थे और वो लड़की कार की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उस लड़की को सड़क पे खड़ा देखकर वो ड्राइवर सोचने लगा, ये लड़की इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर क्या कर रही है। उसने सोचा कि शायद लड़की खो गई है और मदद मांगने के लिए वहां खड़ी है। ड्राइवर गाड़ी की रफ्तार धीरे कर देता है और सोचने लगता है कि उसे उस लड़की की मदद करनी चाहिए कि नहीं। वो भी ये सोच ही रहा था कि वो लड़की फिर से एकदम से उसकी कार के सामने आ जाती है और मुस्कुराने लगती है। यह देखकर ड्राइवर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है और वहां से भाग निकलता है। ड्राइवर को लगता है शायद ये लड़की किसी गैंग की मेंबर है जो मदद मांगने के बहाने गाड़ियों को रोककर उन्हें लूट लेते हैं। गाड़ी को नाक की सिधाई में चलते हुए कुछ समय हो चुका था और अब ड्राइवर को अपने सामने फिर से एक चढ़ाई दिखाई देने लगी। उसने गहरी सांस ली और अपना सफर जारी रखा। अब वो चढ़ाई पर पहुंच चुका था और अब उसकी कार ढलान पर तेजी से नीचे जा रही थी। तभी उसने कुछ दूरी पर उस लड़की को फिर से सड़क पर खड़े हुए देखा। वो लड़की अभी उसकी तरफ देख रही थी और हंस रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और तेजी से उस लड़की के सामने से निकल गया। ड्राइवर ने अपने मन को समझाया, ये नहीं हो सकता, शायद उसकी तरह दिखने वाली कोई और लड़की होगी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और आलिज़वाल बोलने लगा, पर वो मौके की नज़ाकत को देखते हुए अब कांपने लगा था और एक बार फिर से उस सुनसान सड़क पर वो कार आगे बढ़ती रही। कुछ और फासला तय होने के बाद ड्राइवर ने देखा एक और चढ़ाई अब उसके सामने है और अब वो डर से कांपने लगा था, पर उसने अपनी मंजिल पर बढ़ना जारी रखा। उसने फिर से उस चढ़ाई को पार कर लिया और ढलान से नीचे उतरने लगा और उसने देखा कि इस बार लड़की सड़क पर खड़ी थी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। लड़की को देखकर ड्राइवर जोर से चिल्लाया, ये नहीं हो सकता। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, मानो कि जैसे बाहर ही आ जाएगा। ड्राइवर ने अब फुल स्पीड में कार भगानी शुरू कर दी। ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, पर अब वो इतना जान चुका था कि जो लड़की उसे बार बार मिल रही है वो सब एक ही है। ड्राइवर ने भूते हाईवे की कहानियां बहुत सुनी थी, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे इन सब का सामना करना पड़ेगा। ड्राइवर अपनी मंजिल की ओर चलता चला जा रहा था और उसकी आंखें सड़क के दोनों तरफ बारी बारी से एकटक हो रही थी। ड्राइवर अब इस सफर को जारी नहीं रखना चाहता था, पर उस सुनसान हाईवे पर अकेले खड़ा होने से अच्छा था चलते चले जाना। अब उसे सफर करते करते लगभग एक घंटा हो चुका था और उसने देखा कि उसके रास्ते में एक और चढ़ाई सामने मुंह बाई खड़ी थी। किसी तरह उसने उस चढ़ाई को पार किया और एक बार फिर से ढलान से नीचे उतरने लगा। उसका मुंह सूख चुका था और दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसे आगे क्या दिखाई देगा ये सोचकर उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। अब वो ढलान से नीचे उतर चुका था और उसने देखा कि अब वो लड़की वहां मौजूद नहीं थी। उसने एक चैन की सांस ली और सोचने लगा, वो कौन थी, क्या वो चली गई। अब उसकी जान में जान आई और अब उसके मुंह पर एक मुस्कुराहट थी। उसने देखा कि अब कोई और चढ़ाई उसके रास्ते में नहीं थी। यह देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने खुद से कहा कि वो कितना डरपोक है और फिर से हंसने लगा। अब सफर को थोड़ा आसान बनाने के लिए उसने रेडियो को ऑन कर दिया और चैनल सर्च करने लगा। काफी देर कोशिश करने के बाद उसे कुछ सुनाई देने लगा। पहले उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है, पर अचानक से उसका जिस्म सुन पड़ गया। उसने महसूस किया कि रेडियो में एक औरत की रोने की आवाज आ रही थी। तभी दो हाथ ड्राइवर के सीट के पीछे से आकर उसका मुंह दबोच लेते हैं और उन हाथों की उंगली ड्राइवर के चेहरे पर घुसती चली जाती है और ड्राइवर के मुंह से एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई देती है। कार का कंट्रोल बिगड़ जाता है और अब वो सड़क पर इधर उधर जाने लगती है और बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराती है और कार का हॉर्न बज उठता है। कुछ समय बाद हाईवे पेट्रोल पुलिस वहां पहुंचती है और घटना का जायजा लेती है। जैसे ही वो कार के पास पहुंचते हैं उन्हें एक दिल दहला देने वाला मंजर दिखाई देता है। वो देखते हैं कि ड्राइवर अभी अपनी सीट पर मौजूद था और सीट बेल्ट भी लगी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा पीछे की तरफ घुमा हुआ था। ऑफिसर्स ने तुरंत बाकी कार की जांच शुरू कर दी। एक ऑफिसर ने दूसरे ऑफिसर से कहा, चलो शुक्र है इस गाड़ी में और कोई नहीं। पर तभी गाड़ी की डिक्की से आती हुई आवाज ने ऑफिसर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा और जैसे ही उन्होंने डिक्की का दरवाजा खोला
उन्होंने देखा एक छोटी सी डरी हुई बच्ची डिक्की में बंधी पड़ी थी और उसका मुंह टेप से बंद किया गया था। ऑफिसर ने बच्ची के हाथ पैर खोल दिए और उसे गोद में उठा लिया और कार की तरफ जाने लगा। जिस तरह ऑफिसर ने उस बच्ची को उठाया हुआ था, ठीक उसी तरह उस बच्ची ने भी अपने हाथ में कुछ उठाया हुआ था। उस बच्ची के हाथ में एक गुड़िया थी जो बिल्कुल उस सड़क वाली लड़की से हूबहू मिलती थी, और वो गुड़िया भी उसी लड़की की तरह मुस्कुरा रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी और कहानी को लेकर आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।